नमस्कार, हमारे इस खास स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे विराट कोहली के नेक्स्ट सेशन के बारे में, क्योंकि प्रैक्टिस मैच से पहले भारतीय टीम ने एक बड़ा नेट सेशन किया लेस्टर के खिलाफ। जो मैच है उससे ठीक पहले विराट कोहली राहुल द्रविड़ के साथ एक लंबा सेशन भी करते नजर आए। वो पिक्चर्स भी उन्होंने ट्विटर पर अपलोड किया, जहां पर राहुल द्रविड़ के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन उन्होंने अभी खत्म किया है। लेकिन अब सवाल बड़ा यह है कि क्या ये प्रैक्टिस सेशन विराट कोहली को दोबारा फॉर्म में लौटा देगा? क्या विराट कोहली उस बैरियर को पार कर पाएंगे जो पिछले 3 सालों से लगातार वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो कोशिश नाकामयाब रहती है। अब फैब फोर को लेकर भी लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि जो रूट जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। और आपको बता दें, भारत के खिलाफ ही जो रूट ने डेब्यू किया था, 10 साल पूरे हो गए उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में, और एक लंबा सफर तय करते हुए आज वो फैब फोर बल्लेबाजों में टॉप पर देखे जा रहे हैं। क्या विराट कोहली उनको टॉप के सिंहासन से हिला पाएंगे इस टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन से कितना आगे वो निकल पाते हैं, और जो रूट को किस तरह से पीछे छोड़ पाते हैं? इन सभी मुद्दों पर बहुत डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी, जो दिल्ली टीम के भी हेड कोच है। और प्रैक्टिस सेशन में सर निकल ही रहे थे वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी के लिए, जहां पर विराट कोहली ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी। लेकिन अब तो राजकुमार सर, हालात ये है कि बेसिक पे काम करने की जरूरत है, और शायद इसीलिए विराट राहुल द्रविड़ के साथ बहुत लंबा सेशन बिताते हुए नजर आए। क्या ये सेशन वापस फैब फोर में विराट कोहली को टॉप पे पहुंचा पाएगा? ये हर किसी के जहन में सवाल है। देखिए, विराट की जहां तक बात है तो वो बेसिक्स पर बहुत काम कर रहे हैं, काफी दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं इस अपनी बल्लेबाजी पर। और अच्छी बात है कि वो राहुल द्रविड़ के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि अपने टाइम के महानतम बल्लेबाजों में से एक रहे हैं राहुल द्रविड़। और जिस तरह की उनकी टेक्निक थी तो वो बहुत ही लाजवाब थी, बहुत शानदार उनका टेम्परामेंट था। तो ऐसा नहीं कि विराट कोहली को बेसिक्स में बहुत ज्यादा गलतियां आ गई हैं, लेकिन हाँ, जरूरत होती है कई बार कि आपको आपको ये छोटी गलती कर रहे हैं और वहां पर राहुल जैसा कोच हो आपके पास, तो वो आपको गाइड कर सकता है कि यहाँ पर आप अगर ऐसा करेंगे तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। और इसी तरह की प्रैक्टिस करते दिखे हैं विराट, और ये अब ये तो आज उन्होंने किया है, लेकिन काफी दिनों से वो इस चीज पर काम कर रहे हैं कि वो अपने बेसिक्स से दोबारा से वो अपना जो उनका स्टाइल था बैटिंग का उसे दोबारा से प्राप्त करें और दोबारा से उसी तरह सेंचुरीज बनाए जिस तरह वो आदत थी उनको बनाने की और उनके फैंस को उनको देखने की। राजकुमार, क्योंकि कुछ दिन पहले ही टेस्ट क्रिकेट में उनके 11 साल पूरे हुए, इन 11 सालों में क्या आपको लग रहा है ये 2019 से लेकर अब तक क्या ये सबसे कठिन पीरियड विराट कोहली का रहा है? आपको लग रहा है जो फेज उन्होंने इंग्लैंड में देखा था, जब जिमी एंडरसन उनको बहुत परेशान कर रहे थे, वो फेज ज्यादा टफ था? कौन सा फेज आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा है विराट के लिए? देखिए राजीव, इंग्लैंड वाला जो फेज था वो थोड़ा छोटा था, ये फेज काफी लंबा हो गया है। और इसमें काफी मतलब एक तो कोविड ने काफी इंटरप्शंस डाले, अपना कप्तानी को लेकर काफी इंटरप्शंस रहे, काफी विवाद रहे कि सेलेक्टर्स के साथ, बीसीसीआई के साथ, तो कहीं ना कहीं। और उसके बाद बहुत लंबे समय से उनका 100 भी नहीं बना है, जो सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आए, तो ये पीरियड काफी लंबा हो गया और काफी मुश्किल भी रहा ये पीरियड। राजकुमार, जब ये टेस्ट सीरीज रोकी गई, यानी 4 टेस्ट मैच जब खत्म हुआ था, तो विराट ने 200 से ज्यादा रन बनाए थे इस सीरीज में, शतक जरूर नहीं थे बट बहुत अच्छे टच में लग रहे थे जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। अब क्या 5वां टेस्ट मैच विराट के लिए तो क्या मायने रखता है आपकी नजर में, उनके करियर के लिए क्या मायने रखता है? और जिस तरह से जो रूट बैटिंग कर रहा है, आपको लग रहा है एक बड़ा चैलेंज वो विराट के सामने रख रहा है लगभग हर मैच में, कि उन्होंने भी अपने 100 टेस्ट मैच से ऊपर वो भी खेल चुके हैं और विराट भी 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं, ये जो एक हेल्दी रेवेन्यू हम देख रहे हैं उसमें आपको लग रहा है जो रूट को पछाड़ने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 27-27 शतक दोनों के हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में? देखिए, दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं और ये राइवलरी राजीव अंदर जाके जब आप बाउंड्री लाइन के अंदर जाते हैं तो आप भूल जाते हैं, तब आपको सिर्फ अगली बॉल का इंतजार होता है और ये देखना होता है कि मैं किस तरह अपने रन बनाऊं उस टाइम, जो रूट या और कोई दिमाग में नहीं आता। लेकिन हाँ, एक हेल्दी राइवलरी बैक ऑफ द माइंड जरूर रहती है कि ये भी मेरे पास आ गए या मैं इस उसके रिकॉर्ड के इतना करीब हूँ या मेरे से आगे निकल गए हैं वो,
तो ये आदमी जरूर होटल में बैठकर या ड्रेसिंग रूम में बैठकर कभी सोचता जरूर है, लेकिन अभी जरूरत है विराट को अपना नेचुरल गेम खेलने की, एक बड़ा स्कोर बनाने की जो वो काफी समय से तलाश रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि वो बहुत जल्द बनाएं, क्योंकि ये काफी लंबा समय हो गया, ऐसा अक्सर देखा नहीं गया था विराट के पूरे कैरियर में कि इतना लंबा वो लीन पैच आए। लीन पैच मतलब ट्रिपल फिगर को लेकर उन्होंने रन जरूर बनाए हैं, लेकिन पहले जो उनका कन्वर्जन रेट था वो बहुत ही शानदार था, वंस वो 30-35 पर पहुंचते थे तो सबको विश्वास होता था कि ये लंबा रन बनाएंगे, 100 तो बनेगा ही, बट अभी लेटली ऐसा नहीं हुआ है, कई बार वो 50-60-70 पे भी आउट हुए हैं, तो वहां से जरूरत है कि वो एक बड़ा स्कोर बनाए, और ये जो एक बैरियर सा बन गया है इसको हटाएं जिसकी काफी दिनों से तलाश है सभी को। इंग्लैंड में क्योंकि विराट अब इंग्लैंड पहुंच चुके हैं राजकुमार सर, और इससे पहले जो लड़ाई चल रही थी वो विलियमसन वर्सेस रूट चल रही थी, वहां पे रूट काफी आगे निकल गए जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, क्या ये विराट के नजर होगा कि दो टॉप बैट्समैनों के बीच में भिड़ंत में रूट ने लगभग हर मोर्चे पे विलियमसन को चारों खाने चिप किया है, और ये सीरीज शायद जो रूट की बैटिंग बैटिंग के लिए याद की जाएगी जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, क्या आपको देख रहे हैं अब ये तीसरा फैफ फोर के तीसरे बल्लेबाज विराट भी इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलेंगे, क्या ये जो पांचवा टेस्ट मैच है इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि विराट किस तरह से इस टेस्ट मैच में रन बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सब देख रहे हैं कि रूट धीरे धीरे सबको पछाड़ते जा रहे हैं, अब ऐसे में अगर रूट एक शतक और बनाते हैं और विराट नहीं बनाते हैं तो रूट शायद नंबर वन प्लेयर हो जाएंगे फैफ फोर में टेस्ट क्रिकेट में खासतौर से। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि रूट एक बहुत शानदार खिलाड़ी है, और अगर इंग्लैंड में तो उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहता है, एशिया में भी उन्होंने रन बनाया, ऐसा नहीं कि भारत में आकर उन्होंने रन नहीं बनाए या श्रीलंका में रन नहीं बनाए, लेकिन इंग्लैंड जहाँ की परिस्थितियों से वो बखूबी वाकिफ हैं और बहुत ही उनका प्रदर्शन शानदार रहता है जो उन्होंने दिखाया है लेटली भी, तो वहां पर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। विराट भी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे जब ये सीरीज रुकी है, तो अगर वो वहीं से कंटिन्यू करते हैं तो एक अच्छी हेल्दी राइवलरी होगी, और ये कम से कम उन दोनों खिलाड़ियों के बैक ऑफ द माइंड में होगी, लेकिन बाकी सब फैंस तो इसको इसी तरह देख रहे हैं कि ये जो रूट वर्सेस विराट कोहली होगा, और विराट से सभी को बहुत ज्यादा आशाएं हैं क्योंकि एक लंबा समय हो गया है कि वो उनका एक बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला है उनके फैंस को, तो जरूर डिटरमिंड वो होंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर जरूरत होगी और ज्यादा अप्लाई करने की अपने को, डिटरमिंड रहने की, और वही शायद वो राहुल द्रविड़ के साथ यहाँ पर काम करते दिख रहे हैं कि किस तरह एक बड़ा 100 बनाया जाए। राजकुमार सर क्या जो रूट के टेस्ट क्रिकेट में जो सफलता का ग्राफ है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ा, उसके पीछे का क्या एक रीजन आप देख रहे हैं कि वो T20 फॉर्मेट बिल्कुल नहीं खेलते हैं, पूरा कंसंट्रेशन उनका टेस्ट क्रिकेट में है और ज्यादा फोकस होने की वजह से वो धीरे धीरे बाकी तीन बल्लेबाजों से फैफ फोर में आगे निकलते जा रहे हैं क्या, और ये उनका राइट डिसीजन आप मानते हैं कि उन्होंने पूरा फोकस अपना टेस्ट क्रिकेट पे कर लिया? राजीव देखिए फर्क तो बिल्कुल पड़ता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, और बहुत लोग इस बात को एग्री नहीं करेंगे कि T20 खेलते रहने से आपकी बल्लेबाजी पर फर्क पड़ता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप T20 खेलते हैं तो आप कुछ ऐसे स्ट्रोक्स खेलने लगते हैं जैसे आप ऑस्टम के बाहर आप खेलने जाते ही हैं, वो ऑटोमेटिक आपका बैट जाता है वहां पर, ऑन द राइज खेलने की कोशिश, बॉडी से दूर आप कोई भी बॉल छोड़ नहीं सकते, जबकि टेस्ट क्रिकेट में आपको बहुत सी बॉलें तो वो छोड़नी होती हैं, लेकिन महान बल्लेबाज वही होते हैं जो दोनों फॉर्मेट को अडेप्ट करते हैं, और अभी तक विराट कोहली ये करके दिखाते रहे हैं, लेकिन हाँ जो रूट को लगा कि नहीं अगर मैं वो खेलूंगा तो मेरा यहाँ पर प्रदर्शन शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो उनका डिसीजन भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अपना पूरी तरह से कंसंट्रेट करूं, T20 के फॉर्मेट में ना जाऊं जहां पर कि जाते ही बड़े स्ट्रोक्स खेलने हैं और हर बॉल को मारना है, तो ये एक नजरिया होता है, अगर वो उन्हें लगा कि मैं शायद इस फॉर्मेट को अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा तो ये एक अच्छा निर्णय है उनका, लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी विराट जैसे जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं तो वहां पर वो अडेप्ट करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में आके उस तरह की बल्लेबाजी करना टाइम जरूर लगता है और इसमें बहुत मेहनत भी लगती है क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है, वहां पर आपको हो सकता कई बार होता है कि आपको 4 ओवर मिले हैं और उसमें आपको 50 रन बनाने हैं तो आप उस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में आपको लगता है कि क्लीन स्लिप 2 गली खड़ी हुई है, एक ओवर शॉर्ट लेग खड़ा हुआ है, आपको सर्वाइव करना है, तो टोटली डिफरेंट बॉल गेम है ये, और यहाँ पर दोनों फॉर्मेट को अगर कोई अडेप्ट कर ले तो वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जो रूट मुझे लगा कि एक अच्छा डिसीजन है जो रूट का कि वो T20 नहीं खेलते हैं और अपनी टेक्निक को उन्होंने पूरी तरह से टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से रखा हुआ है,
और इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल भी हैं। फिर राजमा सर जो रूट से रेवली की बात नहीं होगी, बात तो जिमी एंडरसन के साथ भी रेवली की होगी और एक सरप्राइज नेम मोइन अली के साथ भी होगी, क्योंकि मोइन अली ने जितना विराट को परेशान किया है वो लगभग लगता है कि वो ऑलमोस्ट जिमी एंडरसन की तरह वो गेंदबाजी करने लगे विराट को, जैसा कि हमने कुछ साल पहले देखा था। अब कितनी चैलेंजिंग एंडरसन इस स्थिति में आपको लगे, जितना आपने मैचेस देखे न्यूजीलैंड के खिलाफ, कितना वो चैलेंज रख पाएंगे और विराट किस तरह से, क्योंकि विराट साइकोलॉजिकली थोड़ा सा डाउन होंगे क्योंकि उनसे शतक नहीं बने, रन तो बन रहे, क्या एंडरसन हावी होने की कोशिश करेंगे और इस रिवलरी को आप कैसे देखते हैं एंडरसन वर्सेस विराट जो देखने को मिलेगी? देखिए शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि एंडरसन एक बहुत ही शानदार गेंदबाज है और इंग्लैंड की परिस्थितियों में तो लाजवाब गेंदबाज है। जो एंगल्स वो जिस एंगल से और जितना लेट स्विंग वो करते हैं इंग्लैंड में, उनको किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना काफी मुश्किल होता है। और जब आप इंडियन कंडीशन से वहां जाते हैं जहां पर की बॉल स्विंग नहीं होता और वहां पर जाते ही बॉल वो एज ऑफ द क्रीज से भी अंदर डाल के बॉल को आउटस्विंग करते हैं, तो खेलना बहुत आसान नहीं होता बल्लेबाज के लिए, जब तक कि आप यूज टू ना हो वहां की कंडीशन से, वहां आप वहां की विकेट से एक्लेमेटाइज नहीं होते जब तक, तो एंडरसन जैसे गेंदबाज को खेलना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक साइकोलॉजिकल भी रहता है एडवांटेज एंडरसन को कि मैंने विराट को बहुत बार आउट किया हुआ है, तो और स्पेशली इंग्लैंड में, इंडिया में छोड़ दें तो बात अलग है कि वो इंडिया में उनको आउट नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ इंग्लैंड में और स्पेशली 2014 में जो उन्होंने किया था विराट के साथ, तो वो एक साइकोलॉजिकल एज जरूर रहता है। लेकिन अच्छा खिलाड़ी या विराट जैसा डिटरमिंड खिलाड़ी जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है वो और ज्यादा डिटरमिंड होता है कि नहीं मैं इनको आउट नहीं होऊंगा। और अभी 2014 और 2022 में बहुत फर्क आ गया है विराट की बल्लेबाजी में, जो उन्होंने 2018 में करके भी दिखाया कि वो इंग्लैंड की कंडीशंस में जब क्वेश्चन मार्क हो रहे थे कि क्या विराट इंग्लैंड में रन नहीं बना सकते, तो उन्होंने करके दिखाया था कि क्या मादा है उनके अंदर या क्या पोटेंशियल है विराट कोहली में। तो अगर वो उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे, मोइन अली एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है राजीव, मैं भी बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि वो मोइन अली को इतनी बार आउट हुए हैं। एंड अभी मैंने भी उनसे बात करनी है मोइन अली को लेके कि उनके अगेंस्ट क्या करना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे लगता है कि बल्लेबाजी करनी होगी मोइन अली को, बहुत ज्यादा सेटल नहीं होने देना होगा, क्योंकि देखिए उन्होंने विकेटें जरूर ली हैं लेकिन प्राइमरीली शायद आप मेरी बात से सहमत हो, मोइन अली को बहुत ज्यादा अक्रॉस खेलने जाते हैं विराट, वो स्क्वायर लेग की तरफ या मिड विकेट की तरफ, आपको लग रहा है अगर वो मिड ऑन या लॉन्ग ऑन टारगेट करे जो उनकी स्ट्रेंथ भी है तो शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है विराट को मोइन अली के साथ खेलते और उनको आउट होते देखते हुए? डेफिनेटली राजीव थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा गेंदबाज है कि वो मतलब बहुत ज्यादा रेगुलर बॉलर नहीं है, वो एक ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं टीम में, और इंग्लैंड कभी कभी तो उनसे बॉल कराते हैं कभी बॉल भी नहीं कराते हैं, तो बहुत ज्यादा इंग्लैंड टीम रिलाय नहीं करती, लेकिन ऑफ स्पिनर का एक बॉल होता है जो ऑफ स्पिनर को भी नहीं पता लगता कि कौन सा बॉल सीधा चला जाता है, जब आपका रिस्ट थोड़ा सा सीधा होता है तो आपका बॉल ऑटोमेटिक सीधा चला जाता है, जबकि आपको आपने वो डाला नहीं होता, आप ऑफ स्पिन डाल रहे होते हैं, रिस्ट थोड़ा सा सीधा होता है और बॉल सीधा निकल जाता है, तो वहां पर वो सरप्राइज करते हैं अक्सर विराट को अगर देखा जाए कि वो कई बार स्लिप में उन्होंने आउट किया है विराट को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव बल्लेबाजी करने की जरूरत है कि उनको बहुत ज्यादा सम्मान ना दिया जाए, उनकी गेंदबाजी को थोड़ा उनपे अटैक किया जाए, तो वो मुझे लगता है कि एक बेटर आइडिया होगा उनको फेस करने का और उनको सेटल ना होने देने का। राजकुमार सर क्योंकि प्रैक्टिस मैच भारतीय टीम खेलेगी थर्सडे से, कैसे आप देख रहे हैं विराट के लिए इंडिविजुअल ये प्रैक्टिस मैच कितना इंपॉर्टेंट है, आपसे बात हुई होगी प्रैक्टिस मैच को लेकर या उनके फॉर्म को, क्या इनिशियली कितना अच्छे फॉर्म है, क्या इसके संकेत मिलेंगे, कैसे दे रहे हैं विराट इस प्रैक्टिस मैच को टेस्ट मैच से ठीक पहले? देखिए वो बहुत ज्यादा वो ऐसे प्रैक्टिस मैचेस खेलना नहीं चाहता है और क्योंकि उनका हमेशा से मानना है कि यहाँ पर अच्छा अपोजिशन नहीं मिलता है, आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो भी होस्ट टीम होती है वो एक अच्छी टीम नहीं उतारती, जैसे कि गेस्ट को ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस ना मिले या वहाँ की परिस्थितियों का ज्यादा अच्छा से वो आकलन ना कर पाए, तो अगर बेटर एक अपोजिशन मिलता है तो इस प्रैक्टिस मैच का इंडियन टीम को फायदा होगा, नहीं तो फिर वो अप एंड डाउन स्टफ ही मिलता है। अक्सर देखा गया है कि इंग्लैंड में स्पेशली वो लोग बहुत हल्की टीम फील करते हैं कि आप जस्ट प्रैक्टिस, बहुत जैसे क्लब लेवल के क्रिकेटर्स होते हैं काउंटी लेवल के भी नहीं, तो वहां पर विराट बहुत ज्यादा उनको खेलना नहीं पसंद करता है और इससे
बेहतर है, वो चाहता है कि मैं अपने नेट्स में अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखूं, क्योंकि वो इस तरह का खिलाड़ी संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है विराट प्रैक्टिस मैच ना खेले। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि उसको खेलना चाहिए और वो खेलेगा भी क्योंकि प्रैक्टिस सही है, लेकिन मेरा मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा अपोजिशन हो जहां पर टेस्टिंग बोलिंग हो, जो टेस्ट करे भारतीय बल्लेबाजों को, जो कि टेस्ट मैच के लिए आपको तैयार कराएं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, आपको बहुत हल्की बोलिंग वो देते हैं, जिस तरह की इंग्लैंड में प्रथा है कि वो बहुत हल्की टीम फील्ड करते हैं और टेस्ट मैचेस में बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होता है। तो विराट का बारे में वही मेरा मानना है कि वो उस तरह का खिलाड़ी है कि अगर उसे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई है तो फिर वो सामने कोई भी आए, भले एंडरसन आए या मोइन अली आए या ब्रॉड आए, फिर उसको चिंता नहीं होती। वंस ही इज नॉट क्लियर कि वो नेक्स्ट में अगर उसकी बैटिंग ठीक नहीं हो रही है, उसे थोड़ा संशय है, तो फिर उसको कोई भी गेंदबाज तंग करता है। लेकिन वंस ही इज क्लियर इन हिज माइंड कि हाँ मेरी बैटिंग अच्छी हो रही है, फिर आप देखें कि कोई भी आ जाए तो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार होता है। हमेशा राजकुमार सर चलते थे एक आखिरी सवाल की, हमेशा कहा जाता है 11 नंबर जो है वो बहुत शुभ होता है क्योंकि आप 11 रुपए किसी को देते हैं शादी में जाते हैं या 111 देते हैं 1011 देते हैं अब, क्योंकि विराट का 11वां साल चल रहा है, कैसे आप देखते हैं इस 11वें साल में क्या कुछ विराट अपने आप को लेके आ सकते हैं? क्योंकि हमेशा कहते हैं जब आप 100 बना लें तब आप फ्रेश स्टार्ट लें और दोबारा शुरू करें, अब क्रिकेट में 10 साल हो गए, क्या दोबारा विराट इस टेस्ट मैच में फ्रेश स्टार्ट लेंगे 5वें टेस्ट मैच में और एक नई स्टार्ट करने की वो कोशिश करेंगे, जैसे कि रिकॉर्ड उनके पास है ही नहीं है? डेफिनेटली राजीव, और मैं प्रे भी करूंगा कि ऐसा ही हो जो आप कह रहे हैं कि, और मैं ही नहीं सभी उनके प्रशंसक सभी उनके फैंस ये चाहते हैं और पूरा देश चाहता है कि विराट पुराना विराट नजर आए भारत को। तो लेट अस होप कि गॉड रिमेंस काइंड ऑन हिम और मतलब ये शुरुआत बहुत अच्छी हो उसके 11वें साल की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए, और जिस तरह से आपने बताया कि राहुल द्रविड़ के साथ जो विराट इन दिनों काम कर रहे हैं अलग से, उसका क्या कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि जो तस्वीरें हम सबने देखी है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो जितना क्रिकेट मैंने देखा है खेला या समझ पाया, एक तो उनकी एल्बो और हेड पे बहुत ज्यादा काम कर रहे थे क्योंकि वो जो पोजिशन राहुल द्रविड़ बता रहे थे वो एक्चुअली आपका हेड कितना स्टिल रहता है और आपका एल्बो बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था क्योंकि बैकलिफ्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप स्विंगिंग कंडीशंस में खेलने जाते हैं। राजकुमार सर क्या एक लास्ट मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम सब देख पाए उसमें ये लगा कि स्विंग होती गेंदों के लिए आपको बैकलिफ्ट कहाँ से आना चाहिए, शायद राहुल द्रविड़ उस पर काम कर रहे थे, क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप स्विंगिंग कंडीशन में खेले आपका बैट कहाँ से आ रहा है और आपका हेड कितना स्टेल है? राजीव देखिए थोड़ी बहुत मदद शायद राहुल कर पाए, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखें वो 70 इंटरनेशनल 100 बना चुका है, तो वो भली भांति जानता है कि उसको क्या करना है। और बट आपको स्टार्ट तो हमेशा 70 बनाने के लिए तो शून्य से स्टार्ट किया होगा विराट ने, तो ये मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत अच्छी बात है कि राहुल वहां पर उनको समझा रहे हैं या बता रहे हैं, क्योंकि राहुल अपने जमाने के बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर रहे हैं। तो मेरा मैंने शुरू में भी कहा है कि बहुत अच्छी बात है कि वो राहुल उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो जरूर उसका फायदा विराट को मिलने वाला है। और स्विंगिंग कंडीशंस में जिस तरह की बल्लेबाजी राहुल द्रविड़ करते थे वो सभी जानते हैं कि वो एक वॉल का नाम उनका इसीलिए पड़ा था कि वो उन कंडीशंस में जहां पर कि बाकी सब प्लेयर्स स्ट्रगल करते थे, राहुल द्रविड़ वहां अपनी टेक्निक की वजह से बहुत अच्छे से बल्लेबाजी करते थे। तो अच्छी बात है कि वो अपने वो जो चीजें हैं वो विराट को बता रहे हैं और विराट उनको उनसे सीख रहे हैं, तो मुझे जरूर भरोसा है कि इसका फल जरूर मिलेगा विराट को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम व्यूज शेयर करने के लिए। तो राहुल द्रविड़ और विराट का ये जो कॉम्बो है बैटिंग और कोच का जो कॉम्बो है वो कितना कारगर होता है इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल द्रविड़ अगर आपसे इतना डिटेल में बातचीत कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप याद करें जब भारतीय टीम 2011 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड पहुंची हम सारे टेस्ट मैच हार गए, लेकिन सारे टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ का शतक था, उसके बाद राहुल द्रविड़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी लिया, बट वो सीरीज हमेशा इसलिए याद की जाती है कि राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशन से जाके बैक टू बैक शतक लगाया और एक तरह से कहा जाए कहानी थी वो राहुल द्रविड़ की सीरीज की, भारतीय टीम टेस्ट मैच हारे जा रहा था और राहुल द्रविड़ शतक बनाए जा रहे थे।
अब उम्मीद यही है कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली शतक लगाए और भारतीय टीम मैच भी जीते, क्योंकि मैच जीतना भी उतना ही जरूरी है जितना भारत के पूर्व कप्तान का शतक लगाना, क्योंकि अंत में इस सफर का आगाज विराट ने ही एज ए कैप्टन किया था। अगर आज हम सीरीज जीतने के मामले पे खड़े तो विराट उसकी अगुवाई कर रहे थे और अब बारी शायद रोहित शर्मा की है। तो चलिए हमारे इस खास स्पेशल में फिलहाल इतना ही।